I love ramen. But my comment section is still filled with people saying कि आप हमारी मैगी रेसिपी ट्राई करो, आप रामेन भूल जाओगे. तो इसलिए मैंने कम्युनिटी पे आप लोगों से पूछा कि आप अपनी फेवरेट मैगी रेसिपीज शेयर करो एंड आई विल बी ट्राइंग देम आउट. तो आज पूरा दिन फॉर 24 आवर्स ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग स्नैक्स डिनर में हम अलग अलग मैगी रेसिपीज ट्राई करने वाले हैं एंड वी आर गोना सी इफ एनी ऑफ दीज मैगी रेसिपीज कम्स क्लोज टू माई लव फॉर रामेन. तो इस चैलेंज के लिए मैं स्पेशली ये बड़ा पैकेट ऑफ मैगी लेके आई हूँ. सो द फर्स्ट रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए वी हैव पिक्ड इज बाय डॉक्टर साहिबा एंड उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी रेसिपी पे. शी सेज कि हियर्स माय मैगी फ्रैंकी रेसिपी व्हिच इज अ हॉट सेलर. मे बी क्या पता ये मैगी मेरे को पसंद आ जाए. तो यहाँ पे मैंने अनियन एंड कैप्सिकम लिया है बिकॉज वेल मेरे घर पे और कोई सब्जियाँ होती ही नहीं है. अभी रिसेंटली ना मैं वहाँ गई थी रिलायंस सुपरमार्केट और वहाँ पे मुझे ये नॉर की शेजवान सॉस मिली एंड पता है वहाँ पे ना वो नाचोस के साथ उसको ट्राई करा रहे थे एंड दिस वॉज सो स्पाइसी. मतलब जो चिंग्स की सॉस आती है उससे भी बेटर थी. वी हैव टू स्प्रिंकल पिज्जा सीजनिंग. अभी पिज्जा सीजनिंग. सो डोमिनोज रिसेंटली लॉन्च्ड दिस ओरिगानो एंड चिली फ्लेक्स. मतलब दे टेस्ट एग्जैक्टली लाइक द सैशेज दैट कम बट दे रियली गुड. मतलब मैं तो डोमिनोज के ओरिगानो चिली फ्लेक्स ऐसे बचा के रखती हूँ. सो दिस इज रियली नाइस फॉर मी. अपनी मैगी को बॉयल होने के लिए डाल देते हैं. आई थिंक लेट्स पुट टू मैगी. पता है इस सॉस में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हो जो हमारी मैगी है वो भी कुक हो चुकी है. तो हम इसका पानी पूरा बिना लिए इस मैगी को सीधा इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. अभी इसमें भी एड इन थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड जब तक ये कुक हो रहा है हमें हमारी फ्रैंकी बनाने के लिए उसका आउटर लेयर कुक करना है, जिसके लिए आई गॉट आईडी का व्हीट लच्छा पराठा. इट्स रियली नाइस, बहुत आसानी से बन भी जाता है. तो इसको कुक होने रख देते हैं, तब तक इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं. पता है इसमें से बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा पता है एकदम स्ट्रीट फूड वाली खुशबू आ रही है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. अभी इसमें एक स्टेप बाकी है, इसमें हमें हमारा मैगी मसाला भी डालना है बिकॉज अदरवाइज देर विल बी नथिंग मैगी अबाउट दिस. तो मैं एक ही पैकेट डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत मसाले इसमें डाल चुके हैं. बट अब और बेटर खुशबू आने लग गई है गाइस. सारी मैगी की रेसिपीज मैं तो ट्राई कर ही रही हूँ बट हम साथ में एक सॉर्ट ऑफ गेम खेलते हैं. रेसिपी के हिसाब से आप लोग जज करो कि रेसिपी को आप मतलब 1 out of 5 कितनी रेटिंग दोगे एंड मतलब आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 रेसिपीज हैं. सो सबसे बेस्ट और सबसे कम अच्छी जो आपकी है ऐसा रेटिंग करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना. लेट्स सी आपके और मेरे टेस्ट बड सेम है कि नहीं. अभी असेंबली करने चाहिए. तो अभी इसको असेंबल करने से पहले ये मैगी को बिना फ्रैंकी में डाले ट्राई करके देखते हैं बिकॉज इट लुक्स रियली नाइस. बहुत स्पाइसी है. आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द नॉर का मसाला जो हमने डाला था. आई फील लाइक द शेजवान सॉस ओवरपावर्ड एवरीथिंग. अभी फ्रैंकी बनाने के लिए पराठा लेते हैं एंड आई हैव विनग्रीन्स की ओरिजिनल प्रीमियम मेयो. मतलब कोई भी मेयो ले लो, एक्चुअली डजंट इवन मैटर. थोड़ी अच्छे से डाल देते हैं क्योंकि मैगी स्पाइसी हो गई है काफ़ी. एंड नाउ लेट्स एड इन मैगी. बहुत सारी मैगी की अभी मैंने इतनी ज़्यादा ऐड कर दिया कि पता नहीं मैं रोल कैसे करूँगी इसको. ओके आई हैव डन समथिंग. आई हैव रोल्ड इट. पूरी मैगी बाहर निकल रही है बट आई हैव रोल्ड इट. सो बेसिकली दिस इज गोना बी माई ब्रेकफास्ट. इट्स अ मैगी फ्रैंकी एंड रेड बुल. क्योंकि इतना हैवी बिना कुछ पिए तो मैं नहीं खा पाऊंगी. ओके लेट्स ट्राई. पता है इसने पूरा मैगी का नक्शा ही बदल दिया. मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि इसके अंदर मैगी है. जैसे स्ट्रीट साइड पे हमें चाउमिन के रोल्स मिलते हैं ना, दिस टेस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट. एंड मेयो की वजह से थोड़ा सा वो क्रीमी टेस्ट आ गया और मैगी बनाते हुए हमने एक चीज स्लाइस डाली थी ना, उस वजह से इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है. मतलब ओवरऑल इट टेस्ट स्पाइसी, इट टेस्ट चीजी एंड इट मतलब पराठा जो है उससे थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्ट भी आ रहा है. सो टेक्सचर्स भी अच्छे हैं एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा है. आई थिंक आई वुड गिव दिस रेसिपी अ सॉलिड 4 on 5 क्योंकि आई वुड कीप कमिंग बैक टू दिस. ओके लंच के लिए हमने ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपीज पिक करी है.
बिकॉज सुबह बहुत मेहनत करी थी तो अब मैं लेजी हो गई हूँ, तो उसके लिए हम बेसिकली अभी फिलहाल तो दो मैगी बनाने वाले हैं। मैगी को रिस्पेक्ट देके नॉर्मल तरीके से कुछ नहीं कर रहे अभी हम, मैगी बनने के बाद होगा कांड जो होगा। सो द रीजन हमने हमारी मैगी को दो में डिवाइड करा है इज बिकॉज हम दो सब्सक्राइबर की रेसिपीज ट्राई करने वाले। सो द फर्स्ट वन इज बाय अहमद शेख 3462। You have to try Maggi with ramen sauce. See, your motive was to make me like Maggi more than ramen. अगर Maggi में ही ramen sauce डाल दोगे तो how is it fair? But anyways, we will still try it out and see कि Maggi को ramen sauce better बना सकती है कि नहीं. So this is basically Samyang की Buldak hot sauce. Okay, before we try this, हम दूसरी recipe भी देखते हैं. It's by Shivam Shuk 197. Take Maggi and add soya sauce and chili sauce. I give it a 6.5/10. Khud hi rating. Chalo ab hum try karke dekhte hain. Let's see if we give it more than 6.5 or less. To sabse pehle I have this sriracha sauce. Aur koi sauce thi nahi mere paas. And he also said ki thodi si soya sauce dalni hai, zyada nahi dalni. So I'm gonna add just इतना सा सोया सॉस। रामेन विद मैगी, दिस ऑलरेडी लुक्स सो नाइस। रामेन की सॉस की वजह से ये लाल रंग की हो चुकी है। लेट्स ट्राई इट आउट। इसमें से खुशबू ही बहुत बढ़िया आ रही है। ओह एंड लाइक ऑलवेज माय रेडबुल। मेरे को लगता है रेडबुल शुड स्टार्ट पेइंग मी। मेरे लिटरली हर वीडियो में रेडबुल आ जाती है। रेडबुल स्पॉन्सर मी। लेट्स ट्राई। दिस इज सो गुड। दिस इज हाउ देसी रामेन वुड टेस्ट लाइक। मतलब अगर If an Indian made ramen, they would make it like this because it's really nice. This though gets a solid 5/5 from my side. It's amazing. Time to try our dusri wali. Isme thodi si soya sauce, thodi si sriracha sauce. This also looks nice. This looks more like chow mein side wala maggi. Okay, before I try this, you guys have 5 seconds to comment down. Aapko kya lagta hai in dono mein se kaun si maggi better hogi? And you have to tell me before I give you the review, huh? Don't be like, "Acha, hum review dekh ke bolenge." No. Thing is, chili sauce डालती तो ठीक होता। I think this one was my fault. I put sriracha sauce and I feel like इसमें एक ketchup-y सा taste है, which मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। Like if you put ketchup in your Maggi, we cannot be friends because ketchup and Maggi is a combination that I cannot stand behind. I think this one was my fault. Next time maybe I'll try it with normal chili sauce and it might taste better. But for now, yeah, this tastes like ketchup Maggi and it's a 0/10 from my side. शाम के स्नैक्स के लिए हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स ऑफ फन फ्लिप्स हैं। इसका मैं आपको बताऊंगी। मैगी आ रही है, वेट करो उसका। एंड क्यों है फन फ्लिप्स वो भी बताऊंगी अभी आपको। उससे पहले फन फ्लिप्स के न्यू फ्लेवर्स ट्राई करते हैं। दिस इज मॉकटेल हॉट एंड सॉसी मसाला एंड दिस इज चीज़ी पिज्ज़ा। एंड मैं ये ना ऑर्डर कर रही थी एक मैगी रेसिपी की, कॉमेंट देखे और साथ में मुझे डोरीटोस का ये डायनामीटा समथिंग मिला। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक टाकीज, बट टाकीज 600-700 रुपए के होते हैं एंड ये 30 रुपए के हैं। सो दिस माइट बी अ गुड अल्टरनेटिव अगर टेस्ट अच्छा हो। लेट्स ट्राई मॉकटेल फ्लेवर। मॉकटेल जैसा टेस्ट नहीं है बट ऐसा अच्छा नींबू का टेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट इज मसाला फ्लेवर। इसका और मॉकटेल का फ्लेवर सेम है बट इसका फ्लेवर थोड़ा सा कम है। लेट्स ट्राई हॉट एंड सॉसी। दिस टेस्ट लाइक टोमेटो लेस। कौन खाता है टोमेटो लेस? नो, ये तो मैं साइड पे रख लूँ, ये तो मुझे वीडियो में भी नहीं लेके आना है। लेट्स ट्राई चीज़ी पिज्ज़ा। ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। सो दिस चीज़ पाउडर, दिस ओरिगानो चिली फ्लेक्स का टेस्ट और एक्चुअल में ऐसा लग रहा है जैसे यू हैविंग क्रिस्पी बाइट्स ऑफ पिज्ज़ा। हम हमारा डोरीटोस डायनामीटा। सो देखने में तो दिस लुक एग्जैक्टली लाइक टाकीज। बहुत खट्टा है भाई, टाकीज बहुत खट्टा था और ये उससे भी ज़्यादा खट्टा है। बट इट्स अ वियर्ड एडिक्टिव काइंड ऑफ खट्टा, जैसे लेज में आपका चिली लेमन फ्लेवर आता ना बहुत खट्टा, इट्स वैसा एडिक्टिव। कहा तो मुँह में ऐसा लगता है सबने नींबू ने छोड़ दिया हो। बिफोर आई टेल यू कि हम इवनिंग स्नैक के लिए क्या रेसिपी करने वाले हैं, हम गैस ऑन कर देते हैं ताकि हमारा पानी गर्म हो जाए। तो हमारे पास फन फ्लिप इसलिए है बिकॉज आई गॉट अ कमेंट बाय ईशु भामरी 9561 कि इन मैगी वी हैव टू ऐड फन फ्लिप। अब आप लोगों को याद है कुछ टाइम पहले एक बहुत ज्यादा वायरल ट्रेंडिंग रील गई थी जिसमें आप पानी में यू वुड ऐड लाइक चीज बॉल्स और चीजी रामेन बनाने की कोशिश करोगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे मेंट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोना ट्राई टू डू।
प्रूफ। अभी हमने हॉट एंड स्पाइसी वाला फ्लेवर तो एकदम ही डिस्कार्ड कर दिया, बट मसाला कॉकटेल सॉरी मॉकटेल और चीजी पिज्जा में से लेट्स सेलेक्ट टू। आई थिंक चीजी पिज्जा तो सेलेक्ट कर ही लेते हैं क्योंकि काफी अच्छा था। मसाला और मॉकटेल में से आई थिंक लेट्स गो विद मॉकटेल क्योंकि इसका फ्लेवर बेटर था। जैसा वो हैक था हम वही करेंगे। यहाँ पे भी विल ऐड द फन फ्लिप। इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे। लेट्स ऐड ऑन मैगी। गाइस ये बहुत चीजी लग रही है। आई फील लाइक दिस इज गोना बी वेरी सिमिलर टू दैट चीजी मैगी वाला हैक। तो हमारे साथ है हरविंदर एंड ही इज गोइंग टू डिसाइड इन दोनों रेसिपीज में से बेटर रेसिपी कौन सी है। अभी ही डजंट नो के क्या रेसिपी है। सो रेसिपी है क्या? मैगी नहीं है ये? नहीं मैगी है बट मैगी रेसिपी। अच्छा कुछ भी है मतलब पता नहीं मुझे कुछ भी। ओके लेट्स सी। आई एम गोना ट्राई दिस वन। दिस लुक्स नाइस। इसमें थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर आ रहा है। सो टेस्टी। Try this, go. कैसा है ये? पता नहीं बस तीखा वर्जन ऑफ मैगी लग रहा है मुझे ये। नींबू टेस्ट आ रहा है। वही नींबू ही टेस्ट बस वही तीखा वर्जन ऑफ मैगी। This tastes some snacks type. Hey, you guessed it right. हमने basically पानी में fun flips डाल के इनको बनाया। Okay. This is the mocktail flavor और mocktail में सब नींबू taste आ रहा था। And this is the cheesy वाला flavor. So I would give the mocktail वाला recipe a normal Maggie. 3/5 but this is a solid 4.5/5 क्योंकि ऐसा अच्छा cheesy सा and काफी actually pizza Maggie जैसा feel आ रहा है इसको खाते हुए। Like if you want to have a spicier version of Maggie type. Plus khatti version of Maggie. Next, क्या मिलेगा? रखाओ। So the last recipe that we have picked is Think Studio 366. Also I love Chinese food, तो मेरे को लगा ये recipe definitely try करनी चाहिए। So it's chili chicken Maggie. Take the Manchurian Maggie. So ये हमारे पास आ चुकी है। Actually I tried this पहले but मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। But I have a feeling कि हम ये recipe try करेंगे तो शायद पसंद आ जाए। Okay, so the recipe sounds interesting. अब ये वाली ना Maggie मुझे इसलिए भी पसंद नहीं आई थी क्योंकि इसमें flavor बहुत कम था। Let me show you कि मैंने चिली चिकन कहाँ से ऑर्डर करा है। It's from this place called Beijing Bites and their Chinese is really good. मतलब noodles are decent but their chili chicken is just amazing. मतलब it looks so good. अभी try करते हैं इसको। So good. मतलब it's crispy, it's spicy, soya sauce का भी अच्छा taste आ रहा है। This looks like a proper meal. मतलब very tempting noodles और actually this looks like American chop suey except for वो crispy texture नहीं होगा। Let's try and see कि ये recipe has it made the spicy Manchurian वाली Maggie better or not? This actually tastes like spicy Manchurian Maggie. मतलब उनको ऐसा कोई flavor लाना चाहिए तो it would have tasted amazing. But this hack is nice. Okay, this is the last Maggie of the challenge and you have to tell me कैसी है। Wait. अरे मैं ले रहा हूँ ना। Taste ही मुझे कराने है यार, खुद ही खाई जा रही है। ये दांतों के इसके braces की वजह से he has to eat ऐसे तरीके से। What do you think? ठीक है, मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी। दे छोड़ दे छोड़ दे। नहीं no thank you. No. You didn't like it, no? Guys, ऐसे ही करता है। मुझे नहीं पसंद आई पर मुझे दे दे। दिन की सारी रेसिपीज में से आपकी कौन सी फेवरेट? आपकी कौन सी फेवरेट है? Let me know in the comment section and don't forget to like, share and subscribe. And I really love this nice dinner.